नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। जयराम ठाकुर के अलावा 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जयराम ठाकुर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत बेइज्जत किया। जब जाधव की मां अवंतिका और पत्नी कुलभूषण जाधव से मुलाकात के बाद बाहर आई तो पाक मीडिया ने जाधव की मां से पूछा कातिल बेटे से मिलने के बाद क्या कहेंगे। वहीं दोनों महिलाओं को कपड़े बदलने पर विवश किया गया और उनके मंगलसूत्र, बिंदी और चूड़ियां भी उतरवा ली गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई राजनेताओं के खिलाफ दर्ज करीब 20,000 राजनीतिक मुकदमों की वापसी की कवायद शुरू हो गई है। 21 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पास होने के बाद अब शासन की तरफ से जिला प्रशासन को मुकदमे वापस लेने के लिए पत्र भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का धर्मनिरपेक्षता पर दिए गए बयान पर लोकसभा कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यदि किसी नेता को संविधान में विश्वास नहीं है तो उसे संसद सदस्य होने का भी कोई हक नहीं है। बता दें कि हेगड़े ने कहा था कि यदि आप धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं तो ये संदेह पैदा होता है कि आप कौन है। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता का विवादित वीडियो फुटेज उनकी मृत्यु के पहले की जांच कर रहे जांच आयोग को सौंप दिया गया है, जिसमें वे कथित रूप से अस्पताल में दिखाई दे रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने ये वीडियो जारी किया था जिसमें जयललिता अपने हाथों से जूस का गिलास पकड़े हुए नजर आ रही हैं। दिल्ली के रोहिणी सहित राज्य में सैकड़ों महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रमों पर छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस ने फरार चल रहे वीरेंद्र देव के लखनऊ के भूतनाथ मार्केट के आश्रम में छापेमारी की। हालांकि किराए पर चल रहे इस आश्रम में पुलिस को ताला लगा हुआ मिला। आश्रम की संचालिका और यहाँ रह रही महिलाएं 2 दिन पहले ही ताला बंद करके फरार हो गयी थी। सुप्रीम कोर्ट सर्दियों की छुट्टी के लिए बंद है, लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा छुट्टी पर नहीं गए हैं। उनकी बेंच दुर्घटनाओं के शिकार लोगों से संबंधित मामलों को निपटाने में जुटी है। यहां तक कि चीफ जस्टिस की बेंच ने 22 और 26 दिसंबर को 9 करोड़ रुपए की सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिजनों के मुआवजे के दावों का निपटारा किया है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां से पाकिस्तान में हुए अपमानजनक बर्ताव के मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपने देश में आतंकवादी माना है तो वे उस हिसाब से ही व्यवहार करेगा। हमारे देश में भी आतंकवादियों से ऐसा ही कड़ा व्यवहार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित केरी सेक्टर में शहीद हुए मेजर प्रफुल्ल अंबादास मोहारकर की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से अचानक हुई फायरिंग में शहीद हुए मेजर प्रफुल्ल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे घायल होने के बाद भी मेजर प्रफुल्ल अपने जवानों को दुश्मनों को जवाब देने के साथ ही कंपनी को भी सुरक्षित निकलने के आदेश दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास को राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी की राजस्थान यूनिट का एक दल इस मांग को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इनकी मांग है कि कुमार विश्वास को अजमेर लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जाए। वहीं कुमार विश्वास और नजदीकी लगातार उन्हें राज्यसभा भेजे जाने का दबाव पार्टी पर बना रहे हैं। उन्नाव में मोतियाबिंद के 32 मरीजों का टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने की खबरों के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। बता दें कि नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मोतियाबिंद के रोगियों का भीषण ठंड में जमीन पर लिटाकर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया। दिल्ली की एक लड़की से चलती कैब में सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। दरिंदे पीड़ित लड़की को द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के पास फेंककर भाग गए। 20 साल की लड़की गुड़गांव के एक मॉल में सेल्स गर्ल का काम करती है। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 सालों में सरकार ने स्वच्छता योजनाओं के लिए 16,400 करोड़ रुपए बतौर स्वच्छ भारत सेस वसूल किए, लेकिन सीएजी ने बताया है कि इस रकम का करीब 1/4 हिस्सा इसके जमा किए जाने वाले कोष में ही नहीं पहुंचा। सरकार स्वच्छता योजनाओं के लिए लोगों से 0.5% सेस वसूलती है। 1 जनवरी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खाता धारकों के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे। जिन लोगों के पास SBI में मर्ज हो चुकी बैंकों की चेकबुक है, वे इन्हें बदलवा लें। इन बैंकों की पुरानी चेकबुक और IFSC कोड 31 दिसंबर के बाद मान्य नहीं होंगे। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आज 52 साल के हो गए हैं और T-सीरीज की तरफ से एक नई घोषणा उनके जन्मदिन के मौके पर की गई है कि सलमान खान की अगली फिल्म भारत 2019 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म भारत, जो कि अतुल अग्निहोत्री और भूषण कुमार मिलकर बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।